आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सुबह की चाय के साथ। आराम से दादा। गाइस देख रहे हो लोकेशन, एक नंबर लोकेशन है, बहुत ही वायरल पॉइंट है भाई। फोटो वगैरह शूट हो गया है। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं मैं सुबह की चाय के साथ। अभी शायद आपको छोड़ने जाऊंगा मैं सीएसटी, इसलिए मेरे को सुबह उठना पड़ा, क्योंकि विरार से सीएसटी पता है ना आपको कितना दूर है। उसके लिए इसको यहां से लेके निकलूंगा फटाफट और सीधा जाऊंगा सीएसटी, नहीं तो इसकी ट्रेन आज मिस हो जाएगी। चाय पी भाई फटाफट। और आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, शायद आप भी रेडी हैं। बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं विरार स्टेशन के लिए। गाइस पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे विरार स्टेशन से ट्रेन लेंगे, और पहले जाएंगे हम लोग माहिम, क्योंकि सदाब का जो सामान है ना वो हमजा के रूम पे रखा है धरावी में, वहाँ से सामान उठाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग सीएसटी। दो सीएसटी सिंगल इंजन, दो सिंगल, कितना आएगा उसका? सीएसटी सिंगल वाया दादर ना? हाँ वाया ही। दादर से चेंज करोगे ना गाड़ी? दादर से माहिम से। गाइस टिकट ले लिया हम लोगों ने, क्राउड शराब की हालत खराब हो रही है भाई, कैसे ट्रैवल करूँगा मैं इतने भीड़ में। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? पागल है, 5 किलोमीटर थोड़ी है होटल, यहाँ से सी एस टी 95 किलोमीटर करीब आस पास है। टेंशन मत ले, तुझे फर्स्ट क्लास में लेके चलूंगा मैं, चढ़ना चढ़ तो जाएगा ना ट्रेन में। सदाब इधर आ, इधर आ, अबे सदाब फटाक से चल, चल 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 चल, अबे घुस बे उधर साइड में, लग साइड में। और कैसा क्राउड था सदाब भाई? गाइस अभी हम लोग बांद्रा से वापस एक ट्रेन चेंज की, क्योंकि बोरीवली से फास्ट हो गई थी, इसके लिए अपने को बांद्रा से चेंज करना पड़ा है माहिम के लिए। अभी अगला स्टॉप माहिम आने वाला है, उतरते हैं फिर सारी कहानी आपको बताएंगे। गाइस हम लोग उतर गए अभी माहिम, सदाब से पूछते हैं कि इसको मुंबई की लोकल ट्रेन का ट्रैवल कैसा लगा। ज़्यादा था भाई, सांस वास ले पा रहा था कि नहीं? अरे मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन तेरी हो रही थी, मालूम है चढ़ पाएगा कि नहीं, लेकिन थैंक गॉड कि भाई चढ़ गया था, इसको तो धक्का दे के मैं चढ़ा दिया था। चलो अभी यहाँ से जाएंगे पहले हम लोग धरावी, क्योंकि धरावी में हमजा तो होगा नहीं अभी, वो जॉब पर जा चुका होगा, बट हमजा के रूम से हम लोग लेंगे सामान, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ से सीएसटी। यही है धरावी सदाब भाई, अभी तो कुछ भी क्राउड नहीं, क्योंकि लोग इस टाइम पे जॉब पे चले जाते हैं, शाम को ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। आ पहले तेरे को नाश्ता कराता हूँ मैं, चल तेरे को खिलाता हूँ। पी ले सदाब, पी ले जैनब के लिए। सदाब भाई खा रहे हैं यहाँ धरावी की बिरयानी, मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ भाई, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह सिर्फ चाय पी के निकला था। सदाब ने बोला कि मेरे को भूख लगी बहुत तेज, कुछ तो खिलवा देते, बिरयानी मिली है, खा के सीधा हम यहाँ से सामान लेके निकलेंगे। कैसा बिरयानी सदाब? एक नंबर की दे। हाँ सक्कता की दे। सक्कता दी मतलब? सक्कता की दे मीन्स कनाडा में होती है, वेरी गुड। अच्छा ऐसा है क्या, खा के बता जरा एक बार। सही सोट रहा है बेटू तो। बाहुबली सदाब भाई उठा बे, इतने समय हालत खराब हो गई तेरी, मैं वहाँ से खींच के लेके आया हूँ। गाइस सदाब भाई अपना ट्रॉली लेके चल रहा है, हमजा के रूम से ले आए हम लोग ट्रॉली वगैरह, इसका बैग इतना वेटेड है भाई। मैंने इसको कल इसलिए बोला था कि लोकल ट्रेन में लेके नहीं चढ़ पाएगा, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं माहिम स्टेशन, वहाँ से लेंगे सी एस टी के लिए ट्रेन, 12:20 की ट्रेन है।
हाँ बे जल्दी बे, कितना टाइम लगा रहा है तू, धसका भी नहीं पा रहा बे ट्रॉली को। एक ही शब्द पूरे ब्लॉग बना डालेगा। अबे तो क्या हो गया बे? ये आ गई भाई सीएसटी के लिए अपनी ट्रेन। हाँ सदाब चल फटाक से डाल, अबे टाइम नहीं, जल्दी डाल, ज्यादा भीड़ नहीं इसमें। अगला स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अबे चल बे उतर फटाक से बे, टाइम हो रहा है। अबे हाँ बे लोकल खाली के चक्कर में तेरी ट्रेन मिस हो जाएगी फिर। हाँ भाई फालतू चाली मत कर सदा, जल्दी आ, यहाँ पे पब्लिक चाय चाहिए ना जाने वाली। जल्दी आ जल्दी आ, पुलिस वाले आएंगे डंडा मारने चालू कर देंगे। यहाँ तेरे को जलवा दिखाता हूँ सीएसटी का। अबे हाँ बे उतर पहले, सीएसटी यही है सीएसटी, उतरेगा तो पता चलेगा ना तेरे को कहाँ क्या है, कहाँ क्या है तेरे को पता चलेगा उतरने के बाद। चला तेरे को फोटो शूट कराता हूँ बढ़िया लोकेशन पे ले जाऊंगा। है ना टाइम अपने पास आधा घंटा, टाइम से पहले पहुँच गया अपन। रुक बे गाइस, देख रहे हो लोकेशन, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सदाब भाई के साथ फोटो शूट कराएंगे। इसी देख रहे हो मेरा लोकेशन भाई, एक नंबर लोकेशन है, बहुत ही वायरल पॉइंट है। सदाब ने बोला कि भाई 10 मिनट का टाइम दे मेरे को, फोटो शूट वगैरह कराएंगे क्योंकि मुंबई आया हूँ, और अगर फोटो शूट वगैरह नहीं हुआ तो फिर समझो सफ़र मुंबई का ख़राब हो जाएगा अपना। इसके लिए फ़ोटो शूट वगैरह कराएंगे सदाब के साथ यहाँ पे, उसके बाद इसको बिठाएंगे ट्रेन में, इसकी फोटोग्राफी चालू है। भाई फोटो वगैरह शूट हो गया है, अरे इतनी ज़्यादा फोटो खींचा था कि स्पेस कम पड़ गया था। सदाब तो भटाभट भटाभट भाई 40-50 फोटो खींच लिया है। कितने नंबर प्लेटफॉर्म से तेरी ट्रेन? 14 ना? चला फटाफट आ गया इधर। अबे मोबाइल बंद कर दे सदाब, वो देख रहे हैं। क्या देख रहा है? गाड़ी को चेक कर रहा है। अरे गाड़ी का छोड़, 14 नंबर पे सीधा चल, वो आगे रहा। 14 नंबर बिल्कुल एंडिंग में है सदाब, आगे चल भाई, कराओ देख रहे हो भाई पब्लिक का, कराओ भाई। दो तीन दिन टिकट कैंसिल करा दे, मैं तेरे को टिकट करा के दूंगा, फ्लाइट से जाना चाहो तो फ्लाइट की टिकट करा के दूंगा। बढ़िया बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, बोला नहीं मेरे को थोड़ा सा कुछ तो अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई जा, तेरी मर्जी है भाई, गाड़ी तो खड़ी है। 14 नंबर वो आगे, यही है बे सदाब जीवन, यही है भाई। चल अंदर चल, अंदर चल, 15 मिनट बचा है बस, 15 नहीं 12 ही मिनट बचा है, चल फटाक से। अबे उठा भी नहीं पा रहा है बे, उठा उठा के सब कुछ। 57 है सीट नंबर, 72 इसके आगे वाला होगा, 57 सॉरी। कौन सा सीट है भाई आपका, एक्सचेंज करेंगे क्या? G2 में 36 नंबर। सुन भैया का नंबर ले और टिकट ले ले भैया का, मेरे को उतरना पड़ेगा सदाब, नहीं तो मैं भी निकल जाऊंगा तेरे साथ साथ। भाई थोड़ा सा साइड दे दियो जरा फटाक से। चल बे सदाब टाइम नहीं है, मुझे उतरना है, मेरी 57 ऊपर की सीट है, टेंशन फ्री होके बैठ जा, कोई दिक्कत हो कॉल कर, आजा भाई। गाइस हम लोगों की सीट ना 57 थी, मतलब सदाब की सीट, भैया की एक जगह सीट थी, यहाँ पे 36, तो भैया के साथ दो तीन लोग थे, उन्होंने एक्सचेंज किया है अपने से सीट। हमने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, सदाब तो अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भैया का नंबर ले लेते हैं, अगर किसी वगैरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो भैया को कॉल कर देंगे। गाइस सदाब को तो बिठा दिया ट्रेन में, बस सिर्फ 2 मिनट रह गया है, एक भैया से एक्सचेंज हो गई इसकी सीट, उन लोग वहाँ पे दे दिए हैं, सदाब को यहाँ पे दे दिए। 57 मतलब सदाब की थी और 36 उसकी थी, भी एक्सचेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के चला जाएगा। बट मैं बहुत मिस करूंगा इसको, मैंने बहुत बोला कि रुक जा भाई रुक जा, मिलते हैं आफ्टर 2 मंथ ब्रो, डेफिनेटली विल मीट आफ्टर 2 मंथ। चल ठीक है आराम से जाना, घर में जाकर सलाम बोल देना, कौन से जाएगा यहाँ से अपने, चल मैं डॉक्टर लेके वापस चला जाऊँगा रूम पे, जा फिर टाइम हो जाएगा मेरे को। 4 मिनट है अभी, 4 मिनट में 2 ही मिनट बचा है, 28 हो गया, 30 किया ना। सर मैं उतरता हूँ, आ जा गेट तक आ जा, बैग रख ऊपर, ये वाला बैग ऊपर रख दे, ये वाला बैग ऊपर रख दे, अबे रख ना पहले, मिलते हैं इंशाल्लाह, बाकी कॉल वॉल करते रहना, घर में सबको सलाम बोल देना,
चल मैं निकलता हूँ, टाइम नहीं बिल्कुल भी, जा आराम से, चल ठीक है, अपना ख्याल लगा, आराम से जा अंदर जाके बैठ, अबे जा भाई अंदर। ट्रेन निकल गई है भाई सदाब की, सब कर रहा हूँ व्हाट्सएप, तू पहले आराम से जा, चले जा चले जा बे। गाइस शादाब तो चला गया है और यहाँ से मुझे जाना है अभी मलाड, मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा दादर के लिए, बट यार थोड़ा सा बैठ के ना रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है जब कोई अपना भाई या दोस्त आता है बहुत टाइम बाद अपने से मिलता है और अचानक से जुदा हो जाता है ना, तो बहुत अजीब फील होता है कि चलो अचानक आया और थोड़ी देर साथ में था, रात भर सिर्फ रुका है वो और दिन में चला गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ और थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि रात को सोया भी नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।